कितनी बेरहम इसे मारा है हरामजादों ने। ऐसी ऐसी जगह मारा है जहाँ मारते हुए आदमी को शर्म आए। बाप पूरे बदन के नट बोल्ट ढीले कर दिए मेरे। वाह श्रीलंका वालों वाह, क्या परफॉर्मेंस दी है आज। श्रीलंका की अगर फर्स्ट बैटिंग आ जाए ना इंडिया के अगेंस्ट, तो जो लोग स्टेडियम में मैच देखने आए उनको पूरा पैसा रिफंड करना पड़ जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट खेलने आई थी या कंप्यूटर पर बाइनरी गेम 00101? जितनी बॉल्स ये लोग ओडीआई क्रिकेट में खेल रहे हैं 10 बैट्समैन मिलके, पुज्जी भाई अपने नाश्ते में खा जाते हैं उतनी बॉल्स। श्रीलंका वालों का अपने आप में ही कॉम्पिटिशन चल रहा है। एशिया कप में 50 रन मारे थे, इस बार 55 मार दिए, 5 रन से श्रीलंका जीत गया खुद से ही। श्रीलंका वालों को लगा अब हमारी टीम में वो बात नहीं है, तो इन्होंने शामी और सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में रख लिया। सूर्य कुमार वर्धने और शामी अट्टापट्टू से पूछ तो लेते उन्हें टीम में जाना भी है या नहीं तुम्हारी। ये कौन सा गली क्रिकेट चल रहा है भाई। भाई आज हमारे पास 9 ही प्लेयर्स है, 2 प्लेयर्स तुम्हारे दे दो ना। शामी भाई को शायद इसी बात पे गुस्सा आ गया और उन्होंने 2 ओवर्स में 2 बार श्रीलंका को आउट कर दिया। 5 विकेट लेने के बाद जो मस्त सी सेलिब्रेशन करी है ना, गिल भाई से इंटरव्यू में पूछा था मैच के बाद कि ऐसी सेलिब्रेशन क्यों करी शामी भाई ने, उन्होंने बोला ये सेलिब्रेशन इंडियन कोच को डेडिकेटेड है जो कि टकले हैं। शामी भाई खुद हेयर ट्रांसप्लांट करा के दूसरों को गंजा गंजा चिढ़ा रहे हो नॉटी। ओ गंजे, वो मीम रिक्रिएट कर दिया शामी भाई के लिए इंडियन टीम ने, ही इज अवर किंग। एक तो यार ये विराट भाई को जितना सेंचुरीज मारने का शौक है ना, उससे ज्यादा कुछ और ही मारने का शौक है। ये कैसा ऑब्सेशन है विराट भाई, जहाँ गिल दिखा टन टना टन 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 टारा। बेचारा गिल चीकू भैया के पास जाता है इस उम्मीद से कि चीकू भैया कुछ बैटिंग टिप्स देंगे। चीकू भैया वो कवर ड्राइव कैसे लगाते हैं यार? विराट भाई ये ले टन टन ये क्या चल रहा है। और यही सब देखा देखी ईशान किशन भी सीख गया। देखना यार गिल भाई थोड़ी दूरी बना के रखना इन लोगों से, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। इस पर एक फैन उर्फ साइंटिस्ट उर्फ फिलोसोफर ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बताई है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताती है कि विराट कभी भी गिल के टेस्टोस्टेरोन पे अटैक करने का मौका नहीं छोड़ते, वो इसलिए क्योंकि वो सचिन के रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और शायद तोड़ भी दें। और गिल जिस तरह के फॉर्म में है वो अगले कोहली बन सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि गिल और सारा के बारे में, अगर इन दोनों के जीन से एक बच्चा पैदा हुआ तो वो दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। दैट्स व्हाई कोहली हमेशा गिल के टेस्टोस्टेरोन पे अटैक करने से नहीं चूकते। एक से एक जीनियस है भाई हमारी कंट्री में। एक तो हमारे फास्ट बॉलर्स ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि स्पिनर्स जब तक आते हैं बॉलिंग कराने तब तक पूरी प्लेट साफ हो चुकी होती है। सब खा गए, कुछ नहीं बचा। जड्डू भाई ने 2-4 कदम का रन अप कह लिया, श्रीलंका पवेलियन जाके बैठ गई। ये बुमराह शामी और सिराज ने तो हम स्पिनर्स को दर्शक बना के रख दिया है। जब तक बॉलिंग करने आते हैं सारे बैट्समैन खा चुके होते हैं ये लोग। कल यूजी स्टेडियम से मैच देखने आया, जडेजा को बोलने लगा हा 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 तूने और मैंने सेम ओवर्स डाले। वैसे यार इस मैच में और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट मिला है जिसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करते हैं, पर अभी चलते हैं हम लोग हमारे मीम्स मेमेम मामा रिव्यू की तरफ। विराट कोहली आरसीबी, यार भाई कोई कितना भी बुरा क्यों ना खेले 50 रन तो बना ही लेता है। ये आरसीबी की स्ट्रेटजी है, इतने कम रन बनाओ कि जब भी कोई टीम उसके करीब रहे लोग तुमको याद करें। अब आईपीएल तो यार साल में एक बार आता है, आरसीबी की रेलिवेंसी बनी रहती है पूरे साल। मैं तो तुम्हारी सेंचुरी रोक देता था, अब तो सेंचुरी पर सेंचुरी मार रहे हो बादशाह। हार्दिक भाई यार आप हमारी साइड हो या उनकी साइड हो? बी लाइक गिल, मूव ऑन। हाँ नर्वस 90 पर आउट होने का दुख था, पर फिर सोचा छोड़ो पनीर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सिराज चलो सोफा भाई, काफी देर हो गई नंबर 1 रैंकिंग पर, अब वापस मुझे दे दो। सोफा भाई, शाहीन सोफा अफरीदी, द परफॉर्मेंस यू नो द रीजन यू ऑल्सो नो। ये चाहल भाई क्या पूरे टाइम कैंडी क्रश खेल रहे थे जब श्रेयस अय्यर बैटिंग पे आए? इसकी बैटिंग कौन देखेगा। तुम जो आए स्टेडियम में रन्स बन गए। श्रेयस अय्यर भाई ने 106 मीटर के छक्के मारे भाई। क्या श्रेयस भाई के इन दोनों के बीच में टारगेट कर रहे थे कि यहीं सिक्स मारूंगा? मीडिया हाइप्ड पेस फैक्ट्री, रियल पेस फैक्ट्री, पाकिस्तान वाला देख रहे हो, रियल बॉलिंग, रियल रियल। श्रीलंकन बैट्समैन कमिंग आउट टू बैट, बुमराह शामी सिराज। भाई जड्डू भाई और कुलदीप भाई तो समझ चुके हैं कि जब तक प्लेट अपने तक आएगी खाली हो चुकी होगी। सिराज अगेंस्ट अदर टीम, सिराज अगेंस्ट श्रीलंका, जैसे ही सिराज भाई की ओडीआई रैंकिंग खतरे में आती है श्रीलंका सामने आ जाती है। हम करते हैं कुछ प्रबंध, रोज उठो बिरयानी खाओ 4-5 विकेट लो सो जाओ। चार मैच में 14 विकेट, शामी भाई पता नहीं इस वर्ल्ड कप क्या करके मानेंगे। हमारी नंबर 1 रैंकिंग अब गिल और सिराज ले जाएंगे। कोई नहीं यार, बाबर और शाहीन भाई अभी आप लोग को सेमीफाइनल फाइनल खेलना है, एक्स्ट्रा मैचेस मिलेंगे ना।
कपल करवा चौथ पिक्स ऑन इंस्टाग्राम। ये सच में गिल और किशान भाई ना कपल जैसे रहते हैं। अगर मैं इंजर्ड ना हुआ होता तो तुम्हें शामी शो देखने ही नहीं मिलता। हार्दिक भाई वी आर मिसिंग यू। सारा व्हेन गिल मिस्ड 100, सचिन व्हेन कोहली मिस्ड 100। भाई कहीं खुशी कहीं गम। अमेजिंग कुलदीप भाई, बट ही हैज अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। बहुत मार रहा है यार। अरे ओहो, सैवेज कुलदीप भाई, सैवेज अपुन है ना। विराट कोहली 88 रन्स, बहुत बुरा हुआ ब्रो। सचिन पाजी आ गए भाई। बहुआ प्लीज स्टॉप कॉपिंग अवर बाबू भैया। बहुआ भाई एक साइड से तो गए पर दूसरी साइड से निकले नहीं। श्रीलंकन टीम राइट नाउ, ये तो फिर भी स्पीड कम है, श्रीलंकन टीम तो इससे भी तेजी से गई है। नाम बताइए, मोहम्मद सिराज श्रीलंका के कितने बैटर्स को आउट किए? बहुत बैटर्स। नाम बताइए, मोहम्मद सिराज। भूपेंद्र जोगी, कैमरामैन डिजर्व्स एन अवार्ड फॉर हिज बॉलीवुड स्टाइल स्टोरी टेलिंग। श्रेयस अय्यर ने सिक्स मारा तो धनश्री को दिखाया। विराट कोहली आउट हुए तो सचिन तेंदुलकर को दिखाया। गिल आउट हुए तो सारा तेंदुलकर को दिखाया। ये कैमरामैन किसी दिन कलेश करवाएगा घर में। एवरी टाइम एन इंडियन बैटर ट्राइज टू स्कोर सेंचुरी एट वन के डे। मधुशंका, रुको जरा सबर करो यार, ये मधुशंका ने हम लोगों की लंका लगा दी थी, सबके विकेट ले गया, साले ने किसी की सेंचुरी नहीं देखनी थी। बुमराह भाई आज सबको ऑल आउट करना बहन, जो किसी को मत छोड़ना, इन्होंने मेरी सेंचुरी रोकी है, हम लोग इसकी टीम की सेंचुरी नहीं होने देंगे। श्रेयस अय्यर परफॉर्मिंग ग्रेट, मीनवाइल चहल टू धनश्री, तीक बड़े मजे आ रहे हैं, तीक बड़े मजे आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने सिक्स मारा, धनश्री को क्यों दिखा रहे हो? ये वही बात हो गई अवार्ड फंक्शन में, जब अमिताभ बच्चन आते हैं ना तो रेखा जी पे कैमरा जाता है, ये साले सब हरामी है। रोहित शर्मा टू बॉलर्स, ये सब खत्म करो और जल्दी चलो, रोहित भाई को इस बार सेमीफाइनल में जाने की बहुत जल्दी है। श्रीलंकन टीम टुडे, यार ये आरसीबी को सब सातों जन्मों तक याद रखेंगे क्या? ये स्कोर सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ओहो पेस बैटरी भाई, इस बार हम लोग की बॉलिंग ज्यादा तगड़ी, बैटिंग। केएल राहुल, हेलो जी, सेम एनर्जी। केएल राहुल भाई के अंदर महेंद्र सिंह धोनी की आत्मा आ गई थी 2-3 सेकंड्स के लिए। क्या रिव्यू लिया कोहली साहब? अगर कोहली भाई फील्ड पर हो और मीम टेम्पलेट ना दे तो कैसे चलेगा? बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी से तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना। स्टेक लिंक पिन कमेंट में दिया है और यस आज का हमारा जो स्टेक का प्रेडिक्शन है वो है अफगानिस्तान टीम को ले। अफगानिस्तान जीतेगी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत तगड़ी टीम है भाई।